हमें तो ऐसा लगे लाला तुम्हारो एक वर्ष को है गयो, अभी तक या को नामकरण संस्कार ना है भयो है, या हमारी ये सब अलाएं बलाएं आ रही हैं, तुम या को नामकरण संस्कार कराओ। यशोदा मैया बोली ठीक है, अब लाला को नामकरण संस्कार होना चाहिए, एक वर्ष के ठाकुर जी है गए। नंद बाबा से जाय करके कही लाला को नामकरण संस्कार कराओ। सांडिल्य मुनि ये ठाकुर जी के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि से जब निवेदन किया तो बंधुओं सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण नंद यशोदा के बेटे नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, कंस से रक्षा के लिए इनको यहां भेजा गया है, पर बोल नहीं सकते। और उनका मन होता है कि कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए, मैं क्यों करूं नामकरण, मेरे तो मैं इनका पुरोहित हूं ही नहीं, लेकिन बोल नहीं पाते तो बार बार बहाने बना देते हैं। सांडिल्य मुनि बोले आप प्रतीक्षा करो, मैं कुछ दिन में आऊंगा तब आपके बालक का नामकरण संस्कार करूंगा। सांडिल्य मुनि ने जाकर के भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा पूरी बात बताते हुए कि आप जाओ और ब्रज में जाकर के नंद यशोदा के पुत्रों का नामकरण करो। तब ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। आहा बहुत सुंदर लीला। गर्गाचार्य जी आए, आकर के विराजमान हुए, यशोदा मैया से कही मैया कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है आपके लाला के नामकरण का, लेकिन मैया एक बात सुनिए, मैंने सुनी है आप लाला का करवट उत्सव मनाती हो। अरे छोटी छोटी बातों का भी उत्सव कौन मनाता है, ये इतने लोगों को तुम निमंत्रण देती हो उसी वजह से राक्षस आते हैं, ये नामकरण संस्कार गुपचुप करना, किसी को मत बुलाना। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा, फिर भी आप आज्ञा करो कहां करें। तब गर्गाचार्य जी बोले छोटे बालकों के सारे उत्सव प्रारंभ करो गौशाला में। आप सबसे भी प्रार्थना बंधु, आप सबके भी छोटे छोटे बालक हैं, इनकी कोई भी इनका जन्मदिन हो, कोई संस्कार हो, कुछ भी हो, वो या तो ठाकुर जी की सन्निधि में करो या फिर गौ माता की सन्निधि में करो। गोपाल जी के ठाकुर जी के सारे संस्कार यशोदा मैया ने गौ माता के सामने किए। गर्गाचार्य जी बोले हम कल करेंगे नामकरण, आज यहीं रुक जाएंगे, और मैया हमारे ठाकुर जी भी साथ में आए हैं शालिग्राम भगवान, तो आप भोग बनाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे, आप हम किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दे दी, बोले बाबा लो प्रेम से बनाओ। गर्गाचार्य जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया बनाई, अंत में बढ़िया दूध अठौटा करके उसमें बढ़िया खीर बनाई, और खीर बना करके केसर डाल के मिश्री डाल करके बढ़िया खीर औटा करके थाली में जैसी सजाई अपने शालिग्राम भगवान के सामने प्रस्तुत की, तो भीतर आंगन में खेल रहे गुटमुन गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलना तो आता नहीं है। बलराम जी के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। दाऊ दादा बोले लाला अच्छा, दोनों बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते, लेकिन मन ही मन बात करते हैं। दाऊ दादा बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक का गए हो। बोले अरे दाऊ दादा ने जोर से सूंघो, ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है, अरे केसर युक्त मिश्री डाल के बढ़िया कहीं खीर बनी है धोटे दूध की। दाऊ दादा मेरे तो जीभ में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। बोले दादा लाला कहाँ बनी होगी खीर, बोले बाहर बनी है दादा, मैं चक्के आऊं ने। सोई ठाकुर जी गुटमन गुटमन चल के बाहर गए। गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी, नेत्र बंद करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहार्ष मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर माला जप रहे थे। इतने में ठाकुर जी गए और उनके गोपाल जी के उनके शालिग्राम भगवान के आगे रखी थाली में से खीर का पात्र उठाया और ठाकुर जी तो बढ़िया चप चप भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, नेत्र खोल करके थाली देखी खीर का पात्र नहीं है, तभी नजर घुमा करके देखा तो बगल में नन्हे से गोपाल जी पूरी नाक मुंह गाल सब पे खीर लगी है और प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुरा गए, बोले अरे नटखट बालक ए इधर दो ठाकुर जी का भोग है। अरे यशोदा मैया देखियो तेरे लाला ने ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, अब तो ये भोग लगेगा नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा।
यशोदा मैया बोली, बाबा आप नाराज मत होइयो, मेरो लाला ने चंचल है थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, हम नाराज नहीं होते। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठा करके भीतर आंगन में छोड़ दिए। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनायो। दाऊ दादा बोले, लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी बोले, खीर तो बहुत जोरदारी, लेकिन जे भगत बड़ो चालू है, मैया तो शिकायत कर दे, खाना दे। पहले तो के आके भोग लगाओ, मैं प्रत्यक्ष जा रहा हूँ, मैया तो मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर दे, चल कोई बात, भूल जा बात को। ठाकुर जी अपनों फिर खेलन लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी ने और सुंदर खीर बनाई। अब की बार ने इलायची पीस के डाल दी और ने बढ़िया सुगंधी आन लगी। भीतर क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दाऊ बोले, काबे बोले, भैया देख लो यार तुम, मैं बता रहा हूँ, या पूतना वारे हाथ दिखा दूंगा या बाबा को मैं। अब की बार फिर तो खीर बनाइए जाने, और पहले तो स्वादिष्ट बनाइए, और मेरो मन है रो खावे को, खावे जाऊंगा मैया तो शिकायत कर देगो। बोले कोई बात ना लाला, तू ने चक के आ जा। ठाकुर जी महाराज गुडमन चल करके बाहर गए और फिर से पात्र उठा के अब की बार जैसे पाया, गर्गाचार्य जी को अब की बार क्रोध आ गया। मैया एक काम करो, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और जा रहे हैं, ये तुम्हारा बालक तो देखो इतना शैतान बालक तो हमने कभी नहीं देखा, बार बार आके पा जाता है ठाकुर जी का भोग। मैया बोली, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भोग पा रहे है, नहीं तो ये तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समन के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम जी की सेवा करें और वाके बाद ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला नहीं खोज ले उन्हें, या कोई यो लगे शालिग्राम भगवान शहद में नामे तो मीठे आ गए होंगे। बाबा बहुत बड़ी कृपा है कि खीर खा रहे हो, तुम्हारे शालिग्राम सही सलामत बैठे हैं। बाबा अब के मैं आपको कमरा में बंद कर आऊंगी, आप प्रेम से भोग बनाओ। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कमरा में बंद कर दियो। अब छोटे बालक हैं तो बाहर से पूरा बंद तो नहीं किया, बस किवाड़ लगा दे। ठाकुर जी ऊपर चढ़े, जंगला पे जाके खड़े है गए, वैसे घूर के देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले, अब के बोला बाबा तो मैं बताऊं। और गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, बोले शैतान बालक। ठाकुर जी बोले, शैतानी तो अभी तेने देखी ना है, तो बोला तो सही अब के। गर्गाचार्य जी बोले, शालिग्राम भगवान क्षमा कर देना, छोटा अबोध बालक है, अब ब्रज के अनपढ़ गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ऐसे इनके बालक हैं। ठाकुर जी बोले, ज्यादा मत बोले दारी के, अब के बोला तू, अब बोल तो नहीं रहे, मन मन सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने अब की बार भोग बनायो, जैसे अपने शालिग्राम जी को पधरायो, ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके जैसे ही गए, अब की बार तो ठाकुर जी जैसे ऐलानी बन करके गए, और खीर को पात्र उठाए और गोद में रखे और ले जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने एक आंख खोल करके देखा, जैसे ही दोनों आंख खोल करके देखी, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया, और इतना ही नहीं स्वयं भी पा रहे हैं और उसी अपने झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को भी पवा रहे। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, बोले भगवान क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया आपके रूप को। भगवान बोले, सुनो हम आपको अपना रूप क्यों दिखा रहे हैं? बोले क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कल जब आप हमारा नामकरण संस्कार करेंगे, हमारी जन्म तिथि नक्षत्र आदि के अनुसार जब अंक निकालेंगे, तो आपको पता चल जाना है कि हम परब्रह्म भगवान हैं। और कहीं उस समय आपको पता चला और आप हमको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, और मैया से बोले, मैया ये बालक नहीं है, साक्षात नारायण है, तो सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही आपको दिखा रहे हैं कि हम भगवान हैं, मैया से मत कहना, मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले, क्यों भगवान? बोले देखो, मेरा ये कृष्ण अवतार हुआ है, मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि वास्तविक निष्काम प्रेम कहते किसको है, और वो निष्काम प्रेम इन ब्रजवासियों से ही प्रसारित होगा। अगर आपने कहीं बता दिया कि मैं भगवान हूं, तो मैया मुझको मंदिर में ले जाएगी, दिन भर भीड़ लगी रहेगी पूजने वालों की।
अभी मैया मेरा कान भी पकड़ती है, मेरा हाथ भी पकड़ती है, ये ब्रज की गोपियां सब लीला करेंगी मेरे साथ में, वो सब लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए अभी आप इस बात का खुलासा मत कीजिएगा कि मैं ईश्वर हूं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया अपना रूप। गर्गाचार्य जी बोले, जो आज्ञा भगवान। केवल प्रेम पाने के लिए, प्रेम के आस्वादन के लिए ठाकुर जी अपनी प्रभुता को छुपा के बैठे, और हम दुनिया भर की चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं ठाकुर जी को प्रेम छोड़ करके। आप बस प्रेम दो उनको, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी अगले दिन गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, बड़े भैया का नाम राम रखा गया, पर बल की अधिकता होने के कारण उनका नाम बलराम हुआ, और छोटे लाला श्री कृष्ण का गर्गाचार्य जी ने नाम शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला अर्थ, कृष्ण वर्ण को कहते हैं। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, कृष्ण। कृष्ण यानी कि काला नहीं होता, कृष्ण यानी सांवला भी नहीं होता, कृष्ण यानी नीला भी नहीं होता, कृष्ण यानी क्या होता है ये बोल नहीं सकते। लेकिन एक संत कह रहे थे कि विश्व के जितने भी रंग हैं उन सब रंगों को यदि घोल दिया जाए तो कृष्ण रंग प्रकट होगा। इस विश्व में जितने भी रंग हैं सब रंगों को एक जगह इकट्ठा कर दो, जो रंग निकल के आएगा वो ना तो काला होगा ना नीला होगा, होगा डार्क ही, लेकिन वो होगा कृष्ण, वो ठाकुर जी का वर्ण है। तो भगवान का नाम कृष्ण, पहला अर्थ उनके कॉम्प्लेक्शन पर है, वर्ण पर है। दूसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कर्षतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको कृष्ण कहते हैं। आप उनको देख लोगे तो होगा क्या, ये तो बहुत दूर की बात है। आप देखो मत, आप कहो नहीं मैं कृष्ण को देखूंगा नहीं, फिर देखता हूं मुझ पर कैसे प्रभाव डालेंगे, तो कोई ऐसा शब्द बोल देंगे कि कानों से आप उनके हो जाओगे। आप कहो मैं आंख भी बंद कर लूंगा, कान भी बंद कर लूंगा, अब कृष्ण कैसे होंगे, तो उनके तन की सुगंधी ऐसी होगी कि नासिका से उनके हो जाओगे। आप कहो लो नाक भी बंद कर ली, अब तो कृष्ण आपको छू के चले जाएंगे, उनका स्पर्श ऐसा है कि तब उनके हो जाओगे, कहां से बचोगे। कृष्ण हर रूप में आपको पकड़ लेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं दसों इंद्रियों पर अधिकार श्री कृष्ण का है, वो कहीं से भी आपको आकर्षित कर सकते हैं, कैसे बचोगे। तो ऐसे आकर्षण जो करते हैं, कर्षत जो करते हैं, उनका नाम है कृष्ण। और तीसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कृष्ण, इसका संधि विच्छेद करो तो कृष्ण माने पृथ्वी के जो स्वामी हैं, पृथ्वी का जो लालन पालन करते हैं उसको कृषि कहते हैं, यानी कि किसान। हम मानव भी कृषि हैं, वो बात अलग है, हम करते नहीं खेती बाड़ी, लेकिन हम भी कृषि, हम क्योंकि पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, तो कृषि। और ण का मतलब हुआ निवृत्ति, पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो उनको पृथ्वी से निवृत्ति मिल जाएगी, इसलिए उनका नाम कृष्ण। तो इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी नेक और बड़े हैं लगे, मैया ने सुंदर ठाकुर जी को कोंधनी पहनाई, पामन में सुंदर सुंदर पाजेब पहनाई। अब तो ठाकुर जी ठुमक ठुमक चलते हैं, मैया ताल बजाती हैं और ठाकुर जी मधुर मधुर नृत्य करते हैं, और इस रूप को देखकर के सब ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं। आकाश में देवता भी कह रहे हैं मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, पूरे विश्व को नचाने वाला आज आपसे नाच रहे हैं, कैसे सुंदर हैं ठाकुर जी।
नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे प्रभु की मैया, 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 ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। बंधुओं, पूरे विश्व को नचाने वाले नाच रहे हैं और आप ऐसे बैठे हो। अरे कोई ना नाचने वाला व्यक्ति भी घर का नाचे सब ताली बजाते। ठाकुर जी